नमस्कार दोस्तों, अभी आप इस पेशेंट का जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, यानी उल्टी की प्रॉब्लम है, जी मिजलाने की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम बढ़ता है दो टाइम, एक है खाना खाने के बाद, दूसरा है कहीं अगर बस पर ट्रैवल करते हैं, ट्रेन पर ट्रैवल करते हैं, बाइक पर ट्रैवल करते हैं उसके बाद, यानी दो टाइम ये प्रॉब्लम बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ये पेशेंट खाना खाने के बाद जो खाना खाए पूरी तरह एकदम उल्टी करके बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं। खाना खाने के बाद वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करना स्टार्ट कर देते हैं, उल्टी जैसा इनको एक फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हो सकता थोड़ा सा म्यूकस टाइप वो वॉमिटिंग कर भी दिए, लेकिन वॉमिटिंग ऐसा नहीं हो जाता है कि पूरा खाना जो खाए वो पूरी तरह बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक वॉमिटिंग फील, एक डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी ये कार में, बस में, बाइक में ट्रैवल करते हैं, यानी जब भी ये राइडिंग पे जाते हैं, तब भी इनको ये प्रॉब्लम होता है। यानी दो टाइम प्रॉब्लम बढ़ता है, एक होता है एग्रावेशन आफ्टर फूड, सेकंड है एग्रावेशन आफ्टर राइडिंग व्हाइल कैरेज। तो ये दो जो पिकुलियर सिम्टम है, ये मेन स्ट्राइकिंग सिम्टम है इस पेशेंट के लिए। इस पेशेंट को मैं प्रिस्क्रिप्शन किया था आर्सेनिक एल्बम 0x1, 2, 3, 4, पहले दो महीने के लिए, उसके बाद 0x5, 6, 7, 8 नेक्स्ट टू मंथ के लिए। ये पेशेंट बिहार के पटना के है, ये पेशेंट मुझसे आके मेरे क्लिनिक पे मुझसे मिल के ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे आज से 4 महीना पहले, और आज ये पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इनको बिल्कुल भी ऐसा कोई फीलिंग, वॉमिटिंग टाइप कोई फीलिंग इनका अंदर अब नहीं है। बिल्कुल ये पेशेंट अपने आप को बेटर फील कर रहा है। आप पेशेंट का फीडबैक आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए पेशेंट ने क्या लिखा है। कितने साल तक जो काम कोई डॉक्टर कर नहीं पाया, वो आपका ट्रीटमेंट से मुझे दिख गया है, वो आपका ट्रीटमेंट से मुझे हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा नहीं कि ये पेशेंट ट्रीटमेंट कहीं पर नहीं किए थे, ट्रीटमेंट तो किए थे, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वही थेरेपेटिक ट्रीटमेंट किए थे, इस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, इस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन, वही पेटेंट टॉनिक अगर देंगे तो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगा ना। मैं अक्सर बोलता हूँ कि पेशेंट को सिंगल मेडिसिन देना पड़ेगा, सब कुछ केस टेकिंग करके, सब सिम्टम्स एक साथ एक्यूमुलेट करके सिंगल मेडिसिन जब तक आप पेशेंट को नहीं देंगे, पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, मैं अक्सर बोलता हूँ वीडियो में। तो यही चीज़ इनका साथ भी हुआ। और जैसे ही पेशेंट का सब कुछ मैं केस टेकिंग करके आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन किया, तो पहले एक हफ्ते के अंदर ही पेशेंट को राहत मिलना स्टार्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम ही क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया गया था? तो आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्रिप्शन करने के पीछे कुछ कारण है। कारण क्या क्या है? नंबर वन रीजन इज दिस पेशेंट प्रिफर्स फॉर हॉट फूड, गर्म खाना इनको अच्छा लगता है। सेकेंड रीजन है पेशेंट है फास्टिडियस, यानी जो चीज़ जहाँ पे होना चाहिए वो चीज़ वहीं पे होना चाहिए, यानी साफ सफाई इनको अच्छा लगता है, टाइटनेस इनको पसंद है। ऐसा नहीं कि गंदगी में रहते हैं या गंदगी में वो जीना पसंद करते हैं, इनको साफ सफाई अच्छा लगता है, जो कि आर्सेनिक का बहुत बड़ा सिम्टम होता है फास्टिडियस। और जो थर्ड सिम्टम पेशेंट का अंदर था वो ये था कि पेशेंट का जो स्किन का जो इरप्शंस है, जो आर्टिकेरिया टाइप जो इरप्शंस है, वो रात को बढ़ता था। जब ये शॉप से आके अपना शर्ट वगैरह खोलते थे उसके बाद ये स्टार्ट होता था। और आर्सेनिक का जो प्रॉब्लम है ये रात को ही अक्सर स्टार्ट होता है, मिडनाइट के आसपास इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और आर्सेनिक का स्पेयर ऑफ एक्शन स्किन पे भी बहुत अच्छा है। तो ये और एक सिम्टम हो गया। फोर्थ सिम्टम था कि एग्रावेशन आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता था, वॉमिटिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाता था। तो इस पर्टिकुलर रूब्रिक के लिए आर्सेनिक एल्बम तो होना ही चाहिए, तभी हम लोग आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे एक एक करके रूब्रिक की, जो रूब्रिक्स मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम दिया गया है या नहीं, मैं थोड़ी देर में आप लोग को दिखाऊंगा केंट रिपोर्टरी के माध्यम से, अभी आप लोग ये सुन लीजिए। तो ये फोर्थ सिम्टम हो गया। फिफ्थ सिम्टम की बात करें तो एग्रावेशन आफ्टर राइडिंग वाइल कैरेज। तो कहीं अगर राइडिंग करता था बस में, ट्रेन में, बाइक में, तो इनको फिर से वहाँ भी उल्टी आना स्टार्ट हो जाता था। तो ये हो गया फिफ्थ सिम्टम। और सिक्स सिम्टम के अंदर अगर बात करें, पेशेंट का अंदर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी, मेमोरी वीकनेस की प्रॉब्लम थी। तो हम लोग इन सभी सिम्टम्स, इन सभी रूब्रिक्स के अंदर देखेंगे अब कि केंट रिपर्टरी में क्या बता रहा है कि आर्सेनिक एल्बम वहाँ पे है या नहीं। चलिए अब हम लोग देखते एक एक करके। अब मैं आप लोगों के लिए केंट रिपर्टरी खोल कर रखा हूँ, स्टोमक चैप्टर। यहाँ पे पहले देख लेते हैं इन जनरल हमारा आर्सेनिक एल्बम वॉमिटिंग के लिए काम करता है या नहीं। तो जी हाँ, वॉमिटिंग, यहाँ पे पहले देखते हैं कि आर्सेनिक एल्बम दिया गया है या नहीं। जी हाँ, दिया गया है, आर्सेनिक एल्बम है और वो भी फर्स्ट ग्रेड में है। ठीक है, तो वॉमिटिंग में आर्सेनिक एल्बम काम करती है। ये इतने सारी मेडिसिन से, इसमें से आर्सेनिक एल्बम फर्स्ट ग्रेड है, और भी बहुत सारी मेडिसिन फर्स्ट ग्रेड में है, आप देख सकते हैं। एकोनाइट भी है यहाँ पे, ओपोसाइनम है, एंटीम क्रूड है, एंटीम टार्ट है, बहुत सारी मेडिसिन है
लेकिन आर्सेनिक एल्बम जिसका सिलेक्शन हम लोग किए हैं वो भी फर्स्ट ग्रेड में है, तो ये पहला सिम्टम मैच हो गया। अब देखते हैं कि एग्रावेशन ईटिंग आफ्टर, यानी खाना खाने के बाद, जो हमारा सेकंड जो मेन जो रूब्रिक था, जो सेकंड रूब्रिक हम लोग देखेंगे वो यही देखेंगे कि खाना खाने के बाद ईटिंग आफ्टर प्रॉब्लम होता है वॉमिटिंग की, वो आर्सेनिक एल्बम में मैच हो रहा है कि नहीं। तो वॉमिटिंग यहाँ पे ईटिंग वाइल यानी खाना खाने के दौरान, इसको नहीं पकड़ना है, ईटिंग आफ्टर यहाँ पे देखते हैं आर्सेनिक एल्बम है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है आर्सेनिक एल्बम यहाँ पे, और फर्स्ट ग्रेड में है। तो ये सिम्टम भी मैच हो गया। अब नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे, एग्रावेशन आफ्टर राइडिंग। तो इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा राइडिंग इन कैरेज वाइल, इसको देखने के लिए नेक्स्ट पेज हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे वॉमिटिंग राइडिंग इन ए कैरेज वाइल, यानी अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं उस दौरान अगर प्रॉब्लम हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम है कि नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ है, बिल्कुल है आर्सेनिक एल्बम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये सिम्टम भी, ये रूब्रिक भी आर्सेनिक एल्बम मैच कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि मेमोरी वीकनेस में आर्सेनिक एल्बम है कि नहीं। माइंड चैप्टर मेमोरी वीकनेस, आप देख पा रहे हैं मेमोरी वीकनेस यहाँ पे आर्सेनिक एल्बम है कि नहीं। जी है, बिल्कुल है आर्सेनिक, फर्स्ट ग्रेड में है। तो मेमोरी वीकनेस के अंदर भी आर्सेनिक एल्बम काम करता है। अब नेक्स्ट रूब्रिक है हमारा प्रीफर्स फॉर हॉट फूड, गर्म खाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए हमें देखने के लिए जाना पड़ेगा स्टमक चैप्टर में। स्टमक चैप्टर चेस्ट, स्टमक चैप्टर ये, हाँ स्टमक चैप्टर आप लोग आगे। जी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टमक डिजायर्स यहाँ पे दिया गया है फूड, ये देखिए वार्म ड्रिंक, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं वार्म फूड यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मेडिसिन फर्स्ट ग्रेड में है, वो है आर्सेनिक एल्बम। ये देखिए आप डिजायर्स, यहाँ पे वार्म ड्रिंक में भी है आर्सेनिक एल्बम और फूड में भी है वार्म ड्रिंक आर्सेनिक एल्बम, वार्म फूड आर्सेनिक एल्बम फर्स्ट ग्रेड में है। तो ये सिम्टम भी मैच कर रहा है हमारा आर्सेनिक एल्बम से। जो लास्ट सिम्टम है थोड़ा देख लेते हैं स्किन का ऊपर, जो पेशेंट ने बताया कि अर्टिकेरिया टाइप जो इरेप्शंस इनको रात को होता है, वो यहाँ पे हमारा जो मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, स्किन अर्टिकेरिया यहाँ पे भी आर्सेनिक एल्बम दिया गया है, फर्स्ट ग्रेड में दिया गया है। तो हमारा जो मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन है वो भी काम कर रहा है, हर एस्पेक्ट में काम कर रहा है। वॉमिटिंग के लिए भी काम कर रहा है, खाना खाने के बाद एग्रावेशन उस पर भी काम कर रहा है, राइडिंग आफ्टर वहाँ भी काम कर रहा है, स्किन इरप्शंस में भी काम कर रहा है, हर एस्पेक्ट में काम कर रहा है हमारा मेडिसिन। तो ये हमारा हो गया एक आइडल प्रिस्क्रिप्शन। सो माय डियर फ्रेंड, अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पेशेंट को क्यों सिर्फ मेरा ही ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ। इस पेशेंट को दरकार थी सिंगल मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, लेकिन इस पेशेंट को दिया जा रहा था आर्सेनिक एल्बम, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन किया लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आर्सेनिक एल्बम के साथ साथ तीन चार मेडिसिन और दे रहे थे, जबकि इस पेशेंट को दरकार था सिर्फ सिंगल मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। और हम लोग सब जानते हैं कि तीन चार मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्रिप्शन करने से आखिरकार कोई दवा काम नहीं करता है, सब फेल हो जाता है। तो इसके साथ भी, इनके साथ भी यही हुआ, आर्सेनिक एल्बम दिया गया था लेकिन वो काम नहीं किया। क्यों काम करेगा जब आप एक समय में एक पेशेंट को चार पाँच मेडिसिन दे रहे हो, तो कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा। ए बोलेगा बी को काम करने के लिए, बी बोलेगा सी को काम करने के लिए, सी बोलेगा डी को काम करने के लिए, आखिरकार कोई काम नहीं करेगा। और पेशेंट का अंदर वायलेंट एग्रावेशन हो सकता है इससे, इस तरह मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने से, इस तरह दवा खाने से। डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए सवाल, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।